Afternoon. I am Professor M. D. Sate, welcomes you all in the 23rd lecture of Electrical Measurement subject. So my dear students, we have discussed the star and delta connection in a three-phase system in the last lecture, right? So we'll just overlook it once, right? So first of all, we have discussed about the star connection in a three-phase system. In that, we have defined the phase current, line current, phase voltage, and line voltage, and relation between all of them, right? That is phase voltage, line current, and phase current, right? So, and then we have discussed about the delta connection. In delta connection also, we have defined the phase current, phase voltage, and line voltage. Then we have derived again the equations or relations between phase voltage, line current, and phase current. So I hope this point आप सबको समझ में आया होगा, ठीक? तो इतना ही ध्यान में रखो, अगर स्टार कनेक्शन है आपका, तो स्टार कनेक्शन में रिलेशन क्या होते हैं, लाइन करंट एंड लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज के, ये ध्यान में रखना है. और डेल्टा कनेक्शन में भी वैसा ही ध्यान में रखना है आपको. तो ये ध्यान में रखो कि स्टार कनेक्शन में लाइन करंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू फेज करंट होता है, एंड फेज वोल्टेज जो होता है वो 1/√3 टाइम्स दी लाइन वोल्टेज होता है, ठीक है? फेज वोल्टेज यानी VPH इज इक्वल टू VL/√3, या फिर अगर लाइन वोल्टेज लोगे आप तो VL इज इक्वल टू √3 इंटू VPH लिख सकते हो, ठीक है? तो ये होते हैं रिलेशन इन स्टार कनेक्शन. और डेल्टा कनेक्शन के इसके अपोजिट रिलेशन होते हैं. तो डेल्टा कनेक्शन में फेज वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज दैट इज VPH एंड VL ये इक्वल होते हैं, दैट इज VPH इज इक्वल टू VL, एंड I फेज इज इक्वल टू यानी फेज करंट 1/√3 टाइम्स होता है लाइन करंट से, यानी आई फेज इज इक्वल टू आई एल बाय √3 लिखते हैं अपन, या फिर आई एल का फॉर्मूला हम √3 इंटू आई पी एच लिखते हैं, ठीक है? तो इतना ही ध्यान में रखो ये स्टार एंड डेल्टा की रिलेशन, क्लियर? नाउ विल सी द मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ थ्री फेज पावर इन टूडेज लेक्चर, राइट? सो हियर various methods are used for the measurement of three phase power in a three phase circuits on the basis of number of wattmeters used. यहाँ पे वे अलग अलग methods use होते हैं three phase power measure करने के लिए three phase circuit में की, ठीक है? Depending upon on the basis of number of wattmeter used, कितने wattmeter हम use कर रहे हैं उसके basis पे यहाँ पे three phase AC circuit में यहाँ पे अलग अलग methods है थ्री फेज पावर मेजरमेंट करके. तो यहाँ पे तीन मेथड्स है अपने पास. एक होता है थ्री वैट मीटर मेथड, सेकंड होता है आपका टू वैट मीटर मेथड, एंड थर्ड होता है आपका सिंगल वैट मीटर मेथड. तो ये तीन मेथड से अपन थ्री फेज पावर जो होती है थ्री फेज सर्किट की उसको हम इजीली मेजर कर सकते हैं, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द मेजरमेंट ऑफ थ्री फेज पावर बाय थ्री वैट मीटर मेथड. पहले देखेंगे हम थ्री वैट मीटर मेथड क्या होती है थ्री फेज पावर मेजर करने के लिए. सो हियर थ्री वैट मीटर मेथड इज यूज्ड टू मेजर पावर इन अ थ्री फेज फोर वायर सिस्टम. थ्री वैट मीटर मेथड जो होती है वो हम यूज करते हैं वहां की पावर मेजर करने के लिए. किसमें की पावर मेजर करनी है आपको? थ्री फेज एंड फोर वायर सिस्टम में, ठीक है? ये थ्री वैट मीटर मेथड क्या है कि अपन पावर मेजर करण्यासाठी यूज करतो. की पावर आपल्याला कुठली मेजर करायची आहे? थ्री फेज आणि फोर वायर सिस्टम मध्ये, ठीक आहे? अभी ये थ्री फेज फोर वायर सिस्टम क्या होती है, थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम क्या होती है, ठीक है? ये ध्यान में आना चाहिए आपको. जो आपने पोल्स देखे हैं आपको ट्रांसमिशन लाइन जिसको बोलते हैं अपन, तो दो पोल्स के बीच में आपने कंडक्टर्स देखे होंगे, ठीक है? तो वो दो पोल्स के बीच में आए, कभी कभी आपने तीन कंडक्टर्स देखे होंगे और कभी कभी आपने चार कंडक्टर्स देखे होंगे. तो अगर वहां पे तीन कंडक्टर्स हैं
तो वहां पे तीन फेजेस रहेंगे, एक रहेगा आर फेज, दूसरा रहेगा वाई फेज एंड तीसरा रहेगा आपका बी फेज। और अगर सपोज चार कंडक्टर्स वहाँ अगर दो पोल के बीच में हैं तो वहां पे तीन फेजेस रहेंगे, और सबसे जो नीचे का जो कंडक्टर होगा वो रहेगा आपका न्यूट्रल वायर, ठीक है। तो आर वाई बी फेज रहेंगे, आर वाई बी एंड सबसे लोअर जो कंडक्टर रहेगा या फिर वो ट्रांसमिशन लाइन रहेगी वो रहेगा आपका फोर्थ वायर, उसका रहे उसको नाम दिया है अपने न्यूट्रल, ठीक है। तो जहाँ पे तीन फेजेस होते हैं और फोर वायर से थ्री फेज सिस्टम है, ठीक है, थ्री फेज सिस्टम यानी तीन फेजेस आर वाई बी और फोर वायर से, ठीक है, फोर वायर से। तो ऐसे सिस्टम में हम पावर मेजर करने के लिए वहाँ पे थ्री वाट मीटर मेथड यूज करते हैं, समझ में आया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट दिया है, हाउ एवर दिस मेथड कैन ऑल्सो बी यूज इन अ थ्री फेज थ्री वायर डेल्टा कनेक्टेड लोड। ये जो मेथड है वो हम थ्री फेज थ्री वायर डेल्टा कनेक्टेड लोड के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी स्टार एंड डेल्टा कनेक्टेड लोड क्या होता है ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा है, इसी की वजह से मैंने वो पॉइंट लास्ट लेक्चर में कवर किया है, स्टार एंड डेल्टा कनेक्टेड लोड क्या होता है, ठीक है। सो ही वेयर पावर कंज्यूम्ड बाय ईच लोड इज रिक्वायर्ड टू बी डिटरमाइंड सेपरेट। अभी थ्री फेज थ्री वायर डेल्टा कनेक्टेड लोड में क्या करना होता है कि पावर जो कंज्यूम कर रहा है वो लोड, ठीक है, पावर कंज्यूम बाय ईच लोड इज रिक्वायर्ड टू बी डिटरमाइंड सेपरेटली। वहां पे आपको उसको जो पावर कंज्यूम कर रहा है हर एक लोड आपका उसको डिटरमाइन करना होता है सेपरेटली, डिटरमाइन करना होता है आपको सेपरेटली, ठीक है। समझ लो यही जो मेथड है थ्री वाट मीटर मेथड ही अपन थ्री फेज थ्री वायर डेल्टा कनेक्टेड लोड साठी सुद्धा यूज करू शकतो, जिथं पावर जी कंज्यूम केली जाते प्रत्येक लोड ना ती आपल्याला डिटरमाइन करायची असते सेपरेटली, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट है, द थ्री वाट मीटर मेथड कैन बी यूज फॉर स्टार एंड डेल्टा कनेक्टेड अनबैलेंस लोड। ये जी थ्री वॅट मीटर मेथड आहे ती आपण स्टार आणि डेल्टा कनेक्टेड लोड साठी, डेल्टा कनेक्टेड अनबॅलेन्स लोड साठी यूज करतो, क्लियर आहे। तो ये जो थ्री वॅट मीटर मेथड आहे वो हम स्टार एंड डेल्टा कनेक्टेड अनबॅलेन्स लोड के लिए यूज करते हैं, ये ध्यान में रखो, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे कनेक्शन डायग्राम दिखाएंगे यहाँ पे, तो दी कनेक्शन फॉर स्टार डेल्टा कनेक्टेड लोड्स, यहाँ पे ये स्टार कनेक्टेड लोड है, स्टार को ही हम वाई कनेक्टेड लोड भी बोलते हैं क्योंकि ये इन्वर्टेड वाई जैसे सिंबल होता है इसका, इन्वर्टेड वाई जो है उसके जैसा दिखता है, ठीक है। जो वाई सिंबल है अपना उसको हम अगर उल्टा करेंगे इन्वर्टेड करेंगे तो ऐसा ही दिखेगा ये वाई, ठीक है, ये देखो ये, तो उसकी वजह से उसको वाई कनेक्शन भी बोलते हैं, स्टार कनेक्शन। तो ये स्टार कनेक्शन है और ये डेल्टा कनेक्शन है, डेल्टा कनेक्शन को दूसरा नाम मैंने बोला आपको मेश कनेक्शन है क्योंकि इसमें क्लोज लूप फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये दोनों के लिए यहाँ पे कनेक्शन डायग्राम दिखाएंगे थ्री वाट मीटर मेथड। तो इसमें तीन वाट मीटर कनेक्टेड है, देखो ये वाट मीटर डब्ल्यू वन है, ये वाट मीटर डब्ल्यू टू है और ये वाट मीटर डब्ल्यू थ्री है। वाट मीटर डब्ल्यू वन किस में कनेक्टेड है, आर एंड एन में कनेक्टेड है। वाट मीटर डब्ल्यू टू किस में कनेक्टेड है, वाई एंड एन में कनेक्टेड है। और वाट मीटर डब्ल्यू थ्री किस में कनेक्टेड है, ये बी एंड एन में कनेक्टेड, ठीक है। और ये जेड वन जेड टू एंड जेड थ्री आर दी इम्पिडेंसेस, ठीक है, ये आपके इम्पिडेंसेस रहे, समझ में आया। तो यहाँ पे तीन वाट मीटर कनेक्टेड है उसकी वजह से उसको नाम ही दिया है थ्री वाट मीटर, तो ये स्टार कनेक्शन है। अभी डेल्टा कनेक्शन के लिए देखो यहाँ पे ये आर वाई बी कंडक्टर्स रहेंगे आपके या फिर सप्लाई लाइन्स रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे डब्ल्यू वन वाट मीटर है, ठीक है, ये एल टू इंडक्टर है, ये एल वन इंडक्टर है, ये एल थ्री इंडक्टर है। यहाँ पे सेकंड वाट मीटर कनेक्टेड है डब्ल्यू टू और यहाँ पे आपका थर्ड वाट मीटर कनेक्टेड है डब्ल्यू थ्री, क्लियर है। और यहाँ पे ये डेल्टा फॉर्म हुआ है मेश कनेक्शन जिसको बोलते हैं, ठीक है, डेल्टा को ही हम मेश कनेक्शन बोलते हैं क्योंकि इसमें क्लोज लूप फॉर्म हुआ होता है, ठीक है। तो ये डायग्राम है डेल्टा कनेक्शन के लिए और ये डायग्राम है आपकी स्टार कनेक्शन। अभी इसमें क्या पॉइंट है देखो,
वी नो दैट वाट मीटर इज हैविंग टू कॉइल्स, फर्स्ट वन इज द करंट कॉइल, सेकंड वन इज द प्रेशर कॉइल, राइट। अभी उसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं वाट मीटर का सिंबल कैसे होता है, वो वाट मीटर में कौन कौन से टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है, कॉइल्स कौन कौन से होते हैं, उसमें करंट कॉइल एंड प्रेशर कॉइल होती है, ठीक है, और टर्मिनल्स कौन कौन से होते हैं, यम एल सी बी, यम स्टैंड फॉर मेन टर्मिनल, एल स्टैंड फॉर लोड टर्मिनल, सी स्टैंड फॉर कॉमन एंड वी स्टैंड फॉर वोल्टेज। ये चार टर्मिनल्स होते हैं वाट मीटर। नाउ हियर द प्रेशर कॉइल ऑफ ऑल द थ्री वाट मीटर नेमली डब्ल्यू वन, डब्ल्यू टू एंड डब्ल्यू थ्री आर कनेक्टेड टू अ कॉमन टर्मिनल नोन एज न्यूट्रल पॉइंट। जो प्रेशर कॉइल है ये देखो, ये प्रेशर कॉइल है डब्ल्यू वन वाट मीटर की, ये किसको कनेक्टेड है, न्यूट्रल को। वैसे ये डब्ल्यू टू वाट मीटर की, ये प्रेशर कॉइल कहाँ पे कनेक्टेड, न्यूट्रल को। और ये वाट मीटर डब्ल्यू थ्री की भी प्रेशर कॉइल कहाँ पे कनेक्टेड है आपकी, न्यूट्रल पे। तो एक कॉमन टर्मिनल पे हमने ये सारे प्रेशर कॉइल को कनेक्ट किया है तीनों वाट मीटर के, तो वो कॉमन टर्मिनल को बोलते हैं अपन न्यूट्रल पॉइंट। तो ये आपका न्यूट्रल पॉइंट रहेगा, क्लियर है। और ये यहाँ यहाँ से लिया होता है, ये न्यूट्रल पॉइंट स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल पॉइंट होता है, डेल्टा कनेक्शन में न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है। ये भी एक कंपेरिजन का पॉइंट ध्यान में रखना होगा आपको, क्लियर है। सो दी प्रोडक्ट ऑफ दी फेज करंट एंड लाइन वोल्टेज, वहां का अगर हम प्रोडक्ट लेंगे फेज करंट एंड लाइन वोल्टेज का, विच रिप्रेजेंट्स एज अ फेज पावर, वो क्या रिप्रेजेंट करेगी हमें वहां पे, फेज पावर, एंड इज रिकॉर्डेड बाय इंडिविजुअल वाट मीटर, और वो ये इंडिविजुअल वाट मीटर वहां पे रिकॉर्ड करेगा वो फेज पावर को, ठीक है। समझ लो, जब प्रेशर कॉइल है तीन ही वाट मीटर जा, तो तीन ही वाट मीटर जा, जब प्रेशर कॉइल है म्हणजे W1, W2, W3 या तीन ही वॅट मीटरचे जे प्रेशर कॉइल आहे ते आपण एका कॉमन टर्मिनलला कनेक्ट केलेले आहेत, आणि त्या कॉमन टर्मिनलला नाव दिलंय आपण न्यूट्रल पॉइंट, ठीक आहे। तर न्यूट्रल पॉइंट हा स्टार मध्येच फक्त प्रेझेंट असतो, न्यूट्रल पॉइंट डेल्टा मध्ये नसतो, लक्षात ठेव। आणि जो प्रॉडक्ट घेतो मग आपण फेज करंट, तिथल्या फेज करंट आणि लाईन व्होल्टेजचा, आता ऑलरेडी आपण फेज करंट, लाईन करंट, फेज व्होल्टेज, लाईन व्होल्टेजचे डेफिनेशन पाहिलेले आहेत लास्ट लेक्चरमध्ये। तर आपण जर फेज प्रॉडक्ट घेतला, सॉरी आपण जर प्रॉडक्ट घेतला फेज करंट आणि लाईन व्होल्टेजचा, तर ती असते आपली फेज पॉवर, दॅट रिप्रेझेंट दी फेज पॉवर अँड इज रेकॉर्डेड बाय इंडिव्हिज्युअल वॅट मीटर, आणि ती हे वॅट मीटर इंडिव्हिज्युअल काय करतील, त्या पॉवरला रेकॉर्ड करतील फेज पॉवर, क्लिअर आहे। सो दी टोटल पॉवर इन अ थ्री वॅट मीटर मेथड ऑफ पॉवर मेजरमेंट इज गिव्हन बाय द अल्जेब्रिक सम ऑफ द रिडिंग्स ऑफ दी थ्री वॅट मीटर। त्यामुळे जी टोटल पॉवर जी असणार आहे तीन वॅट मीटर मेथड मध्ये, ती पॉवर मेजरमेंट ही आपण इथं डायरेक्टली आपण काय करतोय, अल्जेब्रिक सम घेतो तिन्ही वॅट मीटरच्या रिडिंग। म्हणून टोटल पॉवर पीचा फॉर्म्युला काय देता येईल आपल्याला, डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू प्लस डब्ल्यू थ्री, आणि इथं डब्ल्यू वन म्हणजे काय असणार आहे, व्ही वन आय वन, डब्ल्यू टू मीन्स होत आहे आपका व्ही टू आय टू, अँड डब्ल्यू थ्री मीन्स होत आहे आपका व्ही थ्री आय थ्री। सो एक्सेप्ट फॉर थ्री फेज फोर वायर अनबॅलेन्स लोड, थ्री फेज पॉवर कॅन बी मेजर्ड बाय युझिंग ओनली टू वॅट मीटर मेथड। थ्री फेज फोर वायर अनबॅलेन्स लोड छोड के यहाँ पे थ्री फेज पॉवर आप मेजर कर सकते हो बाय यूजिंग ओनली टू वॅट मीटर मेथड से, ठीक है। समझ लो, थ्री फेज फोर वायर अनबॅलेन्स लोड सोडून तुम्ही थ्री फेज पॉवर तिथे मेजर करू शकता बाय यूजिंग फक्त दोन वॅट मीटर, दोनच वॅट मीटर यूज करून तुम्ही तिथं थ्री फेज पॉवर मेजर करू शकता, ठीक आहे। पण एक्सेप्ट काय इथं, थ्री फेज फोर वायर अनबॅलेन्स, क्लिअर आहे। सो दिस इज थ्री वॅट मीटर मेथड, सिंपल आहे। नाउ सेकंड मेथड आहे आपकी मेजरमेंट ऑफ थ्री फेज पॉवर बाय टू वॅट मीटर मेथड। दोन वॅट मीटर मेथड पाहिजे होते, दोन वॅट मीटर कनेक्ट करायचे होता पॉवर मेजर कर। सो हियर टू वॅट मीटर मेथड कॅन बी यूज टू मेजर दी पॉवर इन अ थ्री फेज थ्री वायर स्टार और डेल्टा कनेक्टेड बैलेंस्ड और अनबैलेंस लोड, ठीक है। पहला ही पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो कि जो दो वैट मीटर मेथड है आपकी, वो हम मेजर यूज करते हैं वहां की पावर मेजर करने के लिए, और वो पावर आप थ्री फेज थ्री वायर स्टार या फिर डेल्टा कनेक्टेड बैलेंस और अनबैलेंस लोड में के आप वो पावर मेजर कर सकते हो, ठीक है।
दोन वॅट मीटर मेथड ही यूज करायची आपल्याला तिथली पॉवर मेजर करण्यासाठी. थ्री फेज थ्री वायर, एक तर ती स्टार किंवा डेल्टा कनेक्टेड असेल, बॅलेन्स किंवा अनबॅलेन्स लोड साठी ते असेल, त्यासाठी आपण टू वॅट मीटर मेथड यूज करणार. नेक्स्ट पॉइंट दिला आहे, इन टू वॅट मीटर मेथड द करंट कॉइल्स ऑफ द वॅट मीटर आर कनेक्टेड विथ एनी टू लाईन्स. दोन वॅट मीटर मेथड मध्ये करंट कॉइल्स जे आहेत वॅट मीटरच्या, ते आपण कनेक्ट करणार आहेत कुठल्याही दोन लाईन्सला, कनेक्टेड विथ एनी टू लाईन्स से आर अँड वाय. सपोज आपण त्या कन्सिडर करू, दोन लाईन्स आहेत आपल्या आर आणि वाय, तर त्या करंट कॉइल ज्या आहेत वॅट मीटरच्या या दोन लाईन्स मध्ये कनेक्ट करायच्या आहेत आपल्याला आर आणि वाय मध्ये. अँड द पोटेन्शियल कॉइल ऑफ इच वॅट मीटर इज जॉईन्ड अक्रॉस द सेम लाईन. जी पोटेन्शियल कॉइल आहे वॅट मीटरची ती आपल्याला सेम लाईनच्या अक्रॉस मध्ये म्हणजे पॅरलल मध्ये जॉईन करायची, आणि ती थर्ड लाईन असणार आहे मग आपली बीच. ठीक आहे, इथं डायग्राम दाखवतो मी तुम्हाला. सो हिअर द टू वॅट मीटर मेथड, इथे किती वॅट मीटर दिखते आपको कनेक्ट किए हुए, ये है आपका वॅट मीटर वन, ये है आपका वॅट मीटर टू. ठीक आहे, आता डब्ल्यू वन या वॅट मीटरची जी प्रेशर कॉइल आहे ती कुठं कनेक्टेड आहे, या थर्ड टर्मिनलला. हे थर्ड टर्मिनल आहे बी चं आपलं. तसंच वॅट मीटर डब्ल्यू टू ची जी प्रेशर कॉइल आहे ती कुठं कनेक्टेड आहे, परत बी टर्मिनलला. ठीक आहे, म्हणजे या दोन्ही वॅट मीटरच्या ज्या प्रेशर कॉइल आहेत त्या थर्ड टर्मिनलला कनेक्टेड आहे, थर्ड टर्मिनल आहे आपलं बी. ठीक आहे, समजलं. करंट कॉइल्स, करंट कॉइल जे आहेत या दोन्ही वॅट मीटरच्या त्या दोन लाईन मध्ये कनेक्ट केलेले आहेत आपण. क्लिअर, त्या ज्या करंट कॉइल आहेत या देखो, त्या प्रेशर कॉइल बी टर्मिनलला कनेक्टेड आहेत आणि करंट कॉइल आपण दोन लाईन्स मध्ये कनेक्टेड आहेत, एक आहे आर सप्लाय लाईन आणि दुसरी आहे आपली वाय सप्लाय लाईन. तर ह्या करंट कॉइल आहे आणि ही प्रेशर कॉइल, येतो मालूम आहे आपण. ठीक आहे, समज में आई है सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट दिया है द टू वॅट मीटर मेथड इज यूज फॉर द मेजरमेंट, पॉवर मेजरमेंट इन अ थ्री फेज सिस्टीम. टू वॅट मीटर मेथड यूज करते हैं अपन पॉवर मेजर करने के लिए थ्री फेज सिस्टीम में की, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द लोड इज बैलेंस और अनबैलेंस. आपका लोड पे कौन सा भी रहने दो, आप बैलेंस रहने दो या फिर अनबैलेंस लोड रहने दो, तो उस थ्री फेज सिस्टम में की पावर मेजर करने के लिए हम टू वैट मीटर मेथड यूज करते हैं. क्लियर है, समझ में आया. ये इम्पीडेंसेस है आपके, ये न्यूट्रल पॉइंट है, ये स्टार कनेक्शन के लिए डायग्राम है आपके, टू वैट मीटर मेथड फॉर इन स्टार कनेक्शन. क्लियर है, तो ये स्टार कनेक्शन के लिए फिर से एक बार यहाँ पे डायग्राम दिखाइए. तो ये डब्ल्यू वन वैट मीटर है, ये डब्ल्यू टू है. ठीक है, जो ऊपर डायग्राम दिखाई है वही है. सो हियर लेट डब्ल्यू वन एंड डब्ल्यू और टू बी द टू वैट मीटर्स. ये दो वैट मीटर है यहाँ पे. लेट ई आर एन, ई आर एन यानी ये है आपका आर फेज, ये है आपका वाई फेज, ये है आपका वाई फेज और ये है आपका पी फेज, आर वाई एंड पी फेज. ठीक है, सो ई आर एन, ई आर एन ये है आपका और एंड ई बी एन, ई बी एन ये है आपका बी, तो ई आर एन एंड ई बी एन द फेज वोल्टेजेस अक्रॉस दी थ्री लोड्स. ये है आपके फेज वोल्टेजेस ये तीन लोड्स के अक्रॉस, ई आर एन एंड ई बी एन. एंड आई आर आई वाई, स्मॉल आई आर स्मॉल आई वाई एंड स्मॉल आई बी बी द फेज करंट्स रिस्पेक्टिवली, ये आपके फेज करंट आएंगे. ठीक है, देन द इंस्टेंटेनियस करंट थ्रू द करंट कॉइल ऑफ द वैट मीटर. जो इंस्टेंटेनियस करंट रहेगा ये करंट कॉइल में से तो हो रहा होगा. ठीक है, ये करंट कॉइल है आपकी और ये प्रेशर कॉइल है, तो ये करंट कॉइल में से जो इंस्टेंटेनियस करंट फ्लो हो रहा है, इंस्टेंटेनियस करंट थ्रू द करंट कॉइल ऑफ द वैट मीटर दैट इज डब्ल्यू वन इज गिवन बाय इक्वेशन शोन बिलो. उसका इक्वेशन डायरेक्टली हम डब्ल्यू वन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई आर. ये देखो डब्ल्यू वन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई आर. ये करंट कॉइल है आपकी वैट मीटर की और उसमें से ये करंट फ्लो हो रहा है आपका, तो डायरेक्टली ये कॉइल लिखेंगे. Now the instantaneous potential difference across the potential coil of the wattmeter W1 is given as instantaneous potential difference जो रहेगा आपके potential coil के across का, wattmeter के potential coil के across का जो instantaneous voltage रहेगा या फिर instantaneous potential difference रहेगा, instantaneous potential difference across the potential coil of wattmeter, instantaneous potential difference, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पोटेंशियल कॉइल ऑफ द वॅटमीटर. ये पोटेंशियल कॉइल है,
इसके अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वाटमीटर W1 के अक्रॉस का, ठीक है, तो वो कैसे लिख सकते हैं इक्वेशन अपन उसका, W1 इज इक्वल टू ERN माइनस EBN। ये देखो ये ERN, ये है आपका ERN, ये प्रेशर कॉइल है आपकी, ठीक है, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये है रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस, यानी डिफरेंस लेना है यानी माइनस साइन लेना है। सो ERN माइनस क्या लेना है, EBN, तो ये EBN है, ठीक है, ERN माइनस EBN, समझ में आया। ये इक्वेशन लिया अपन ने, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पोटेंशियल कॉइल ऑफ द वाटमीटर W1 इज गिवन। नाउ द इंस्टेंटेनियस पावर मेजर्ड बाय द वाटमीटर W1, इंस्टेंटेनियस पावर कैसे मेजर करेंगे W1 के अक्रॉस की, तो ये IR इनटू ये पोटेंशियल डिफरेंस लेना है आपको, तो IR इन ब्रैकेट ERN माइनस EBN, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया वाटमीटर W1 के लिए। अभी सेम इक्वेशन निकालने हैं आपको वाटमीटर W2 के लिए, तो आपको डिराइव करने आएंगे इक्वेशन सेम। पहले इक्वेशन लेना है W वैट इंस्टेंटेनियस करंट का, ठीक है, वाटमीटर W2 के लिए, फिर इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस का लेना है इक्वेशन वाटमीटर W2 के लिए, और फिर इंस्टेंटेनियस पावर का, तो देखेंगे कैसे आता है इक्वेशन उसका। सो इंस्टेंटेनियस करंट थ्रू द करंट कॉइल ऑफ द वाटमीटर W2 इज गिवन बाय, इंस्टेंटेनियस करंट कौन सा फ्लो हो रहा है अभी ये इसमें से, IY, तो IY W2 इज इक्वल टू IY लिया, क्लियर है, W2 इज इक्वल टू IY। अभी इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पोटेंशियल कॉइल ऑफ द वाटमीटर W2, तो W2 आपका यहाँ पे है और ये प्रेशर कॉइल है, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखेंगे इक्वेशन अपन, क्या लिखेंगे इक्वेशन, EYN माइनस EBN। EYN कहाँ पे आपका, ये है EYN माइनस माइनस EBN, ठीक है, ये इक्वेशन लिया W2, यानी इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पोटेंशियल कॉइल ऑफ द वाटमीटर W2, ठीक है। नाउ इंस्टेंटेनियस पावर फिर से निकालनी है वाटमीटर W2 के लिए, तो IY इंटू ये पोटेंशियल डिफरेंस से उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अभी आपको क्या करना है, देयरफॉर द टोटल पावर मेजर्ड बाय टू वाट मीटर W1 W2 विल बी ऑब्टेन बाय एडिंग द इक्वेशंस 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। सो W1 प्लस W2 इज इक्वल टू क्या इक्वेशन रहेगा, IR इन ब्रैकेट ERN माइनस EBN प्लस IY इन ब्रैकेट EYN माइनस EBN, तो W1 प्लस W2 इसको मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट में, सो IE इंटू ERN प्लस IY इंटू EYN, एंड ये रहा माइनस रहेगा आपका EBN, दोनों में से कॉमन निकलेगा और ब्रैकेट में बचेगा आपका IR प्लस IY। और अगर इसको सॉल्व करोगे आप तो IR प्लस IY प्लस IB इज इक्वल टू 0 है आपका, ये तीनों में से जो कॉमन निकलेगा IR IY और IB इसको 0 पुट करेंगे, ठीक है, तो ये है आपकी पावर IR इंटू ERN प्लस IY इंटू EYN प्लस IB इंटू EBN, ये किसका इक्वेशन है आपका पावर का, तो पावर P इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, W1 प्लस W2, हेंस P इज द टोटल पावर एब्सॉर्ब इन द थ्री लोड्स एट एनी इंस्टेंट। P आपकी टोटल पावर एब्सॉर्ब कर रहे हैं तीनों लोड्स कौन से भी इंस्टेंट के लिए, तो ये फाइनल इक्वेशन आ गया आपका टू वाट मीटर मेथड, समझ में आया। तो ऐसे डिराइव करना है आपको टू वाट मीटर मेथड का इक्वेशन। अभी ये स्टार कनेक्शन के लिए हो गया, ऐसा ही सेम डेरिवेशन आपको डिराइव करना है डेल्टा कनेक्टेड लोड के लिए, ठीक है, तो दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर, अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।